नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? तो आज का मेरा टॉपिक है कि बार बार अबॉर्शंस क्यों होता है। क्या आपको या आपके कोई फ्रेंड को इस परेशानी से गुजर रहे हैं? हर बार प्रेगनेंसी रुकती है और हर बार अबॉर्शन हो जाता है, और यही चिंता उसको खाई जाती है कि क्या कारण हो सकता है मेरे बार बार अबॉर्शंस होने का। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो उन महिलाओं के लिए बना रही हूँ जो इस समय यह समस्या से गुजर रहे हैं। उनको मैं आज बताने वाली हूँ कि क्यों किसी को बार बार अबॉर्शंस होते हैं, क्यों किसी का गर्भ रहता नहीं है, रिपीटेड अबॉर्शंस के कारण क्या है। किसी को अबॉर्शंस पहली तिमाही में हो सकता है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकता है, और किसी को दूसरी तिमाही में अबॉर्शंस बार बार हो सकते हैं, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस होते हैं। तो आइए जानते हैं कि पहली तिमाही में बार बार अबॉर्शंस क्यों होते हैं और इसके कारण क्या हैं। सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक अबनॉर्मैलिटीज़, दूसरा कारण हो सकता है एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक अबनॉर्मैलिटीज़, तीसरा कारण हो सकता है यानी हार्मोनल इश्यूज़, ठीक है, चौथा हो सकता है ओबेसिटी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, थ्रोम्बोफीलिया, ये भी एक कारण हो सकता है बार बार अबॉर्शंस होने का। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज, यानी इसकी डिटेल में मैं आपको अभी हर एक टॉपिक की डिटेल में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले कारण होता है बार बार अबॉर्शंस का, आप सोच रहे होंगे कि जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़, यानी कि अगर आपके जीन्स में ही कोई प्रॉब्लम है या आपके क्रोमोसोम की टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो आपके साथ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बार बार अबॉर्शंस हो सकते हैं। और ये हमको कैसे पता चलेगा कि जेनेटिक प्रॉब्लम है? अगर आपका दूसरी या तीसरी बार अबॉर्शन हो रहा है, तो आपके जो अबॉर्शन मटेरियल्स, अबॉर्शन का मटेरियल होता है यानी जो कचरा बाहर निकलता है, उसको अगर हम टेस्टिंग को भेजते हैं, तो हमें पता चलता है कि टेस्टिंग में पता चलता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक अबनॉर्मलिटी थी या नहीं। और अगर बार बार ऐसा हो रहा है, तो आपकी भी हमको कैरियोटाइप्स करने पड़ते हैं जानने के लिए कि आपके क्रोमोसोम्स में तो कोई कैरियोटाइपिक अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले कारण है बार बार अबॉर्शन होने का, वो है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ या जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण आता है, ये मेटाबॉलिक कारण आ सकता है, यानी कि एंडोक्राइन, यानी कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स। अभी कई तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम्स बॉडी में हैं, सबसे पहला उसमें है तो प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी इतना प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं कर रही है जिससे कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकते हैं, तो बार बार ये गर्भपात होने के चांसेस रहते हैं। इस चीज़ को हम, ये कंडीशन को हम ल्यूटियल फेज डिफेक्ट बोलते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से बार बार अबॉर्शंस होते हैं। तो इसमें हम पहले से ही महिलाओं को, जैसी बार बार अगर अबॉर्शन हो रहे हैं ऐसी लेडीज़ को, हम जैसे ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है, हम प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट देना चालू कर देते हैं, या इंजेक्शन्स के द्वारा या टैबलेट्स के द्वारा, और प्रेगनेंसी को मिसकैरेज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ आती है बात हार्मोनल कॉजेज में, तो दूसरा हार्मोनल कॉज है थायराइड। जी हाँ, ये आपको पता भी नहीं रहता है आपको थायराइड का इन्फेक्शन है, इसकी वजह से आपको बार बार मिसकैरेजेस होते हैं। जब डॉक्टर आपको रिपीटेड मिसकैरेजेस के बाद आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो पता चल रहा है कि आपको हाइपोथायरॉयड है या हाइपरथायरॉयड है, जिसकी वजह से आपको बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं। तो थायराइड एक बहुत ही कॉमन कारण है बार बार मिसकैरेज होने का, ठीक है। और तीसरा इम्पोर्टेंट कारण मैं बताना चाहती हूँ कि ओबेसिटी। जी हाँ, आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में जहाँ पे स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, जंक फूड्स इतना लोग खा रहे हैं, तो अगर आप ओबीज हो, यानी कि आपका बॉडी वेट या बीएमआई 25 से ज़्यादा है, तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि बार बार मिसकैरेज हो सकता है, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से जो बॉडी है उसमें थोड़े बहुत इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं। इसके बारे में मैं लास्ट में बात करने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपका बार बार अबॉर्शन हो सकता है। नाउ चौथा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक हार्मोनल कॉज ही कारण ही बोल सकते हो, लेकिन ये एक टोटल डिजीज़ है, इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें देर इज़ अ इंक्रीज इन इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी जो बॉडी इंसुलिन बनाती है उस
का कोई असर नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो ओवरीज में जो अंडे होते हैं उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पानी की गांठें बन जाती हैं, और इसके इससे बनने वाले जो अंडे होते हैं उसकी क्वालिटी भी सही नहीं रहती है, और बार बार मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। जी हाँ, सो PCOS अगर जिनको रहता है उनको प्रेगनेंसी रुकती है तो कई बार वो अबॉर्शन हो जाती है, उनसे अबॉर्शन हो जाता है। तो इसको हम पहले से ही इसका इलाज कराते हैं अच्छे से ताकि ये प्रॉब्लम्स ना हों। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है थ्रोम्बोफीलिया, यानी एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड जल्दी क्लॉट हो जाता है, और प्रेगनेंसी में ये होने की वजह से खून का स्त्राव बच्चे तक ठीक से नहीं पहुंच पाता है, इसमें क्लॉट्स बन जाते हैं। ये आपको नहीं पता चलेगा अगर बचपन से आपको कुछ ऐसा है कि आप कहीं गिरे, आपको घाव लगा, जल्दी आपका ब्लड रुक जाता है, तो आपको ये बीमारी है आपको पता होगी। या फिर जब डॉक्टर्स बार बार मिसकैरेज के कारण ब्लड टेस्ट करते हैं तब डॉक्टर्स को नज़र में आता है कि ये आपको बीमारी है। सो थ्रोम्बोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से भी रिकरेंट मिसकैरेजेस हो सकते हैं। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है इम्यूनोलॉजिकल कॉजेस, यानी बॉडी अपने ही कुछ ऑर्गन को एंटीजन समझ के एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाते हैं, यानी कि ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी DNA एंटीबॉडीज़, एंटी कार्डियोलिपिन्स, ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट्स, ये सारी चीज़ बार बार अबॉर्शंस के कारण बन सकते हैं। ये कैसे होता है? कभी कभी ये क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं, ये कुछ लोकल मीडिएटर्स बॉडी में रिलीज़ करते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ती है। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण मैंने देखा है मेरी प्रैक्टिस में कि इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज, यानी कि किसी का LA फैक्टर, किसी का ANA फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं और प्रेगनेंसी फिर से रुक जाती है। ठीक है, सो ये सारे कारण फ्रेंड्स मैंने आपको जो बताया है अब तक वो है पहली तिमाही के अबॉर्शन के कारण, यानी कि पहली तिमाही में अगर रिपीटेड अबॉर्शंस होते हैं तो ये सारे कारण आप नोट डाउन कर सकते हो। ना अगर आपके अबॉर्शंस बार बार दूसरी तिमाही में हो रहे हैं, यानी कि आपके पहले 3 महीने अच्छे से बीत गए हैं लेकिन 3rd महीने से 4th महीना लगते ही अबॉर्शन हो जाता है, 5वां महीना लगते ही अबॉर्शन हो जाता है, तो ये ऐसा क्यों होता है? उसके कुछ कारण मैं आपको इस वीडियो में शॉर्ट में बता देती हूँ कि 2nd तिमाही के अबॉर्शन के कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो है कंजेनाइटल अनॉर्मलिटीज ऑफ द यूट्रस, यानी कि आपके गर्भपिश्वी के ही गर्भाशय के ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अगर गर्भाशय में बीच में पर्दा है या एक ही साइड का हॉर्न है, यानी कि यूनिकॉन्जुएट यूट्रस, या फिर एक यूट्रस है, 2 थैली के मुंह हैं, ऐसे बहुत सारे अंदरूनी जन्मजात ही अबनॉर्मल यूट्रस बना हुआ रहता है। पहले 3 महीने में पर्दे होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा साइज में बढ़ने लग जाता है वो पर्दा बीच में आ जाता है, बच्चे को बढ़ने नहीं देता है और बार बार अबॉर्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यूट्राइन अबनॉर्मलिटीज़ ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है दूसरे तिमाही के अबॉर्शन का। और दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है कि अगर यूट्रस कंजेनाइटली नॉर्मल है तो बार बार अबॉर्शंस क्यों हो रहे हैं? इंट्रा यूट्राइन अडिशंस की वजह से, कभी कभी थैली अंदर में ही चिपक जाती है, कुछ अडिशंस चिपके हुए रहते हैं, बार बार थैली सफाई हुई है आपकी इस वजह से भी अडिशंस चिपके हुए रहते हैं, कभी कभी यूट्रस में गांठें रहती हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड की गांठें रहती हैं, फाइब्रॉइड्स की गांठ बच्चे को ग्रो नहीं करने देती हैं और अबॉर्शन हो जाती है। आपका अगर थैली का मुंह ज़्यादा वज़न नहीं उठा पाता है तो आपको 4th-5th मंथ में बार बार अबॉर्शन हो जाते हैं, इसको हम सर्वाइकल इनकम्पिटेंस बोलते हैं। ठीक है, सो ये हो गए हमारे दूसरी तिमाही के अबॉर्शन के कॉसेस। सो अगर आप किसी को जानते हो जिनके रिपीटेड अबॉर्शंस हुए हैं तो उनके साथ ये जानकारी बिल्कुल शेयर कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज व्यर्थ नहीं जाने वाला है। ये आपको आज मैंने नॉलेज दिया है, आप किसी और को नॉलेज दोगे, उनकी जानकारी बढ़ेगी, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा जिसकी वजह से वो आपको दुआ देंगे। ठीक है, तो इसी मैसेज के साथ मैं मेरा वीडियो एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके प्रेगनेंसी में कभी अभी तक
इससे जुड़ी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। धन्यवाद।